Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अब 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है और वो भूचाल बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर है। जहां बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन इस कड़ी में मायावती ने एक ऐसा कार्ड खेल दिया है जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में होने लगी है और अब ऐसे लगता है कि अखिलेश यादव की जो राहें हैं वो और भी मुश्किल हो सकती है। दरअसल बात करें तो आपको पता होगा कि यूपी के गैंगस्टर पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से नाता तोड़ने की तैयारी कर रहा है। अतीक के परिवार के सदस्य ओबीसी की पार्टी में छोड़कर मायावती की BSP में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के कुछ दूसरे सदस्य जल्द ही बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन BSP के टिकट पर प्रयागराज में मेयर का चुनाव भी लड़ सकते हैं। शाइस्ता परवीन के BSP में औपचारिक तौर पर शामिल होते ही उन्हें प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद अब BSP की सदस्यता नहीं लेंगे। सिर्फ उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो कहीं ना कहीं सदस्यता लेंगे। इसकी संभावना इसलिए भी है क्योंकि अतीक के परिवार ने पिछले 2 महीनों में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BSP अध्यक्ष मायावती की जमकर तारीफ की है। BSP की इस रणनीति से माना जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की प्रयास कर रही है। पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में 1 सीट पाने वाली BSP अब नए सिरे से समीकरण साधने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश के तहत BSP अतीक के परिजनों को लेकर यूपी में मुसलमानों को जोड़ने की फिराक में है। अतीक अहमद के परिवार ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल सितंबर में जो है लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ली थी और इस मौके पर खुद असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे। अतीक अहमद के नाम से पत्नी ने AIM सदस्यता लेने की बात चिट्ठी भी लिखी थी। गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ जो है अलग अलग जिलों में करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक अहमद खुद गुजरात की जेल में बंद है। वहीं उनका भाई बरेली में जेल बंद है तो एक बेटा लखनऊ तो दूसरा बेटा प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। योगी सरकार ने अतीक और उनके करीबियों के लगभग 11 अरब रुपए की संपत्ति या तो जब्त की है या फिर उन पर बुलडोजर चलाया है। लेकिन जिस तरीके से आजम खान के चुनाव के बाद मुस्लिमों को लेकर मायावती ने एक बड़ी बात बोली थी, उसके बाद अतीक अहमद की पत्नी के शामिल होना कहीं ना कहीं मुस्लिम और जो दलित समीकरण है उसको साधने के प्रयास अगर सफल रहा तो फिर अखिलेश यादव के लिए 2024 की चुनौती बड़ी हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है इस पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।